है या ना हो, तो उस समय सच्ची इच्छा होती है कि ये तो होना ही है। हे प्रभु, मुझे सुमिरन का बल दो, मुझे ध्यान का बल दो, मुझे ज्ञान निष्ठा दो, मुझे आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कराओ। क्यों, ये तो मैं ठीक भी आप भी दे देंगे तो फिर होगा। मान लो मेरी मृत्यु का समय है, भगवान का मंत्र जाप किया या गुरुद्वारे गया, मैं बच गया, जी तो ये खुशी की बात है, बुरा नहीं है कि मैं बचाया। लेकिन यदि यही खुशी है तो 6 महीने बाद, 10 साल बाद फिर नंबर आएगा। 10 साल में बच गया तो 25 साल बाद फिर नंबर आएगा। तो इस बचने को जो खुशी मान लेते हैं, यहाँ भूल है। भगवान की कृपा है, संत की कृपा है, भजन का लाभ मिला, आप बच गए। लेकिन यदि यही रुक गए तो नुकसान हो जाएगा। ठीक इसलिए ये मान के ही चलना चाहिए कि ये तो आज नहीं तो कल होना है। मैं परीक्षित को श्राप न देते तो क्या कभी बूढ़ा होके नहीं मरता? तो असल में क्या है कि वरदान से बच गए या श्राप से मर गए, ये सवाल नहीं है। यदि हम बच भी जाएं तो उसमें खुशी में टाइम बर्बाद मत करो। और अभी भी मेरा विश्वास है कि यदि श्राप न होता तो शायद परीक्षित अभी नहीं तरता। तो कष्ट तो हमारे तारने के लिए है, समझ। यदि ये मृत्यु भी ना होती, सुख दुख ना होते, तो कौन भगवान को पूछने वाला था? तो ये तो आवश्यक है। ये जो समझ लेते हैं, परिवर्तन और मृत्यु हमारे फंसाने के लिए है, हम नहीं है, जगाने के लिए। इसलिए सुरखुरु होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। ठीक है तो जागना जरूर, जागने के लिए परिस्थितियां हैं। स्वामी जी, थोड़ा आपा तुसी आपा वो तो अगाह टप गए एक, मैं वो थोड़े थोड़ा जिहा उत्ते होर तो तुसी चानना पाओ, क्योंकि तुसी सिक्स चैनल उत्ते रोज़ाना सवेरे 8:30 तो 9:30 ध्यान साधना करवानी है, पर थोड़ा जिहा अज उहदे उत्ते चानना पाओ कि ध्यान किस तरह धरना है, किस दा धरना है, ये तरीका किदां धरना है, इहदे बारे। शरीर तो ध्यान के लिए, क्योंकि जब ध्यान में बैठेंगे तब भी शरीर तो होगा ही, जी तो शरीर यदि बहुत बीमार है तो ध्यान हमारे बीमारी में जाएगा। ले तो जाना है भगवान में, शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर को ध्यान नहीं करना। जी पर शरीर तो है मेरे पास, तब शरीर है तो जब मैं बैठूंगा, लेटूंगा, ध्यान करूंगा, तो शरीर यदि कष्ट देता है तो ध्यान में मन न लग के कष्ट में आएगा। तो पहली आवश्यकता रहती है शरीर थोड़ी देर पीड़ा रहित हो जाए। तो ऐसे कुछ आसन, प्राणायाम या कुछ करते हैं, या कोई पहले से, जिससे शरीर थोड़ी देर कम से कम पीड़ा ठीक है रहित रहे। ये नहीं है कि 4 घंटे दर्द ही ना हो, वो तो बहुत योगियों का काम है। हाँ चूंकि आपने कहा था आम लोग कैसे करें, जी हाँ जी तो आम लोग 4 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे रहें, बैठे बहुत अच्छी बात है, यदि 2 घंटे हिले नहीं, दर्द नहीं हो तो बहुत अच्छा है। पर 10 मिनट भी यदि शरीर में कोई पीड़ा ना हो, 10 मिनट तक भी शरीर में कोई हलचल ना हो, कोई हलचल की जरूरत ना हो, तो समझो ध्यान के योग्य शरीर हो गया। अब दूसरा है मन। ये नहीं कि घर की चिंता नहीं करना है, बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, दुकान नहीं करनी, ये नहीं है। पर इतनी चिंता, इतनी कि हम 10 मिनट भी मन को भगवान में ना लगा सकें, इतनी आसक्ति, इतनी चिंता नहीं चाहिए। ठीक है जैसे गहरी नींद में जाते हैं ठीक तब है थोड़ी कोई चिंता करते हैं। तो यदि तुम 4 घंटे नींद में सब कुछ भूल सकते हो, तो 10 मिनट के लिए लड़का बच्चा चिंता नहीं छोड़ सकते। हाँ, कोई उसी समय युद्ध होने लग जाए तो गुरु गोविंद सिंह यदि ध्यान में भी बैठे होते और युद्ध होने लगता तो उठ जाते। हम लोग ये समझते हैं ध्यान से उठने नहीं चाहिए, हम कहेंगे जरूरत है तो उठना चाहिए। पर जरूरत भी कोई नहीं, तुम्हारा दिमाग इतना उलझा है कि वो बैठते ही नहीं। तो गुरुओं का देह या मन इतना कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल में कोई सामने से ललकार दे तो कोई दे हम भजने में बैठे रहें, राम भगव, ये अर्थ नहीं है। इसलिए भजन में थोड़ी देर मन लग सके, थोड़ी देर को हम चिंताएं छोड़ सकें। जैसा पहले योगियों का ऐसा वर्णन मिलता है कि उनके बुखार आया था तो कोई राजा मिलने आया, तो उन्होंने अपना वो कपड़ा उतार के रख दिया, बुखार उसमें थोड़ी देर बना रहा, जब राजा चला गया तो फिर बुखार आ गया। तो कोई
कोई लोग प्रश्न करेंगे कि यदि सामर्थ्य है तो फिर बाहर ही क्यों नहीं बुखार को रखते, तो वो आवश्यक मानते हैं, अपने पाप का फल मानते हैं, इसलिए उसे फिर ले लिया। ऐसे ही हम माने कि जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य है, बच्चों का, देश का, समाज का सब करना हमारा कर्तव्य है, पर ध्यान हमारा लक्ष्य होने से थोड़ी देर को हम उसे अलग रख सकते हैं, क्योंकि एक दिन सारा दुनिया चली जाएगी, देश चला जाएगा, बच्चे चले जाएंगे, मेरे साथ थोड़ी जाएंगे। तो इतनी समझ और वैराग्य चाहिए कि जब हम भजन में बैठे तब थोड़ी देर को हटा सकें, बस ये नहीं है कि करें नहीं। कई लोग ये समझते हैं कि जब सरवार छोड़ देते हैं, मैं समझता हूँ साधुओं ने जितना देश के विषय में सोचते हैं, आम लोग नहीं सोचते, हमारे गुरुओं ने जितना धर्म और समाज और के लिए सोचा है लोग नहीं, तो फिर इनको बंधन नहीं हो जाएगा जी। तो मुक्त तो होना आ जाए फिर हम जरूर करें। तो ये भ्रम भी हटा दें कि काम करने वाला मुक्त तो नहीं हो सकता या चिंता करने वाला ब्रह्म को नहीं पाएगा, चिंता करना चाहिए पर थोड़ी देर को तो छोड़ सके। यदि बहुत चिंता है तो नींद नहीं आती, ध्यान छोड़ दीजिए। किसी किसी दिन बहुत चिंता हो या बहुत जरूरी शादी ब्याह हो तो उस दिन दूल्हा दुल्हन नहीं सोते, पर नींद हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ी है। तो इसी तरह ध्यान या भजन को इतना आवश्यक मान लें कल्याण के लिए कि उतनी देर के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, सारा संसार नंबर दो में है, बाकी दो चार मिनट भजन हो जाए अच्छा, 20 मिनट तो हम आधा घंटे इसलिए कहते हैं कि इतनी देर तैयारी में लगते हैं, पर सच्चा ध्यान 2-4 मिनट का भी हो जाए। एक उपनिषद का वचन, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम, क्षण भर भी जिसका ध्यान परमात्मा में लग जाए सारे पाप ऐसे कट जाते हैं जैसे सूर्य निकलने से अंधेरा चला जाता है। 2 मिनट की बड़ी कीमत है, हम ये नहीं कहते 2 मिनट बैठने की कीमत है, हम ये नहीं कहते 2 मिनट ध्यान लग जाए। महाराज कहते एक चित जे एक शिंत्या, हाँ पास के बीच में एक क्षण भी हो जाए उसको हम ध्यान कहते हैं। जैसा आपने पूछा था क्या ध्यान करें, किसका करें, कैसे करें, ये और है, पर परमात्मा का तो एक क्षण भी हो जाए। अभी जिसका हम ध्यान करते हैं वो कोई रोशनी है, कोई चक्र है, या कोई देह का है, कोई प्रतीक का है, वो भी ध्यान है, ये सारे ढंग ने, हाँ ढंग है, लेकिन सच्चा ध्यान तो परमात्मा निरंकार अकाल पुरुष का एक बार भी हो जाए तो दोबारा ना भी हो तब भी वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है स्वामी, अपने को थोड़ा टाइम बाकी है, उदे विच आपा एक होर विषय है जिते तुहातों कुछ पूछना चाहते हैं कि ये दुनिया, इस दुनिया बारे महाराज ने यह भी आख्या कि यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, दूसरे पास इनू कहने कूड़ राजा, कूड़ पर कूड़ पर जा, पर सच्चा सच्चा है, दूसरा पासे कूड़ है, तो ये सच्चाई की है। भगत रविदास जी कहते ने कि माधवे क्या कहिए परम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा, नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पया भिखारी। तो ये जीव जो सच्चा मन बैठा है असल में जो झूठा है, ये जगत नाल जुड़िया है परमात्मा छड के, ये उत्ते तुसी कुछ चानना पावो कि महाराज ने इस जगत नूं सच्चा भी आख्या है ते कूड़ भी आख्या है, ये जीव किस नाल जुड़े, इनू सच्चा मने कूड़ मने। इसको जब धर्म ईमान पर चलने का विषय आए तो इसको सच्चा माने, इसको झूठ मानकर मनमानी ना करे। सच्चा है, इसके नियम सच्चे हैं, यदि सच्चाई से इसका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे भाई है, पिता है, माँ है, बहन है, उसको बहन ही मानो, ठीक है। बीच में 2 दिन को पत्नी मत समझो, पत्नी है 2 मिनट को तुम ऐसे ही ना मानो, अपने धर्म का पालन करो इस मामले में तो सच्चा मानो। ये एक ये विषय भी है, जैसे बर्तन है तो है, पानी भरना है तो पानी भरना है, वो बेकार नहीं है, लेकिन जब मृत्यु और मोक्ष के विषय में सोचना हो तो जनरों की ये तो बनावटी है, नहीं रहने वाला, रहने वाला क्या है। तो ये सत्य और झूठ ये है। और ये भी मैं कहा करता हूँ कि गुरु महाराज ने इसको यही माया जाल भी कहा, और वही कहते ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, लेकिन ये हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया,
जब ये हर रूप नजर ही आने लगे, जैसे हर भाड़े में मिट्टी दिखने लग जाए, जब मिट्टी देखने लग जाएंगे तब बर्तन दिखते हुए भी नहीं है, पर पहले जब तक हमें परमात्मा नहीं मिला तब तक ये माया है, तब तक ये बंधन है, तब तक सावधानी बरतो, तब तक धर्म के अनुसार चलो। जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए तब तक साधन को पूरी सच्चाई से पालन करो। जैसे स्वप्न के समय हम दुख होगा तो इलाज करेंगे, वो करेंगे, जब नींद खुल जाएगी तब वो सब झूठा निकलेगा। तो इसलिए परमात्मक ज्ञान के बाद के लिए कहा है कि ये कोई बंधन नहीं है, ये प्रभु का रूप है। लेकिन अभी ये हमें प्रभु का रूप नहीं है, वो तो हमें फंसाता है, राग द्वेष करता है, इसलिए इसे पहले माया समझ के सावधान रहें। ज्ञान के बाद में जब हमारा मन शुद्ध हो जाए, सहज हो जाए, करना बाकी न रहे, मन को न हटाना पड़े न लगाना पड़े। कहाँ से हटाएं और कहाँ लगाएं? अभी हमको एक से हटाना है, दूसरे में लगाना है, यहाँ से हटाना है, वहाँ लगाना है, फिर उसमें इसमें कोई भेद नहीं है। ये जग हर का रूप है। जब हर का रूप हो जाएगा तब भीतर ले जाएं कि बाहर? तब वहीं के लिए बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिना पाचीने मिटे न भ्रम की काई, और नरप्रत्येक सिंहासन सोया स्वप्ने हुआ भिखारी। स्वप्न में भिखारी हो गया, जब जागा तो वैसे राज्य गया नहीं था, गया लगता, ऐसे ही मैं मरता नहीं मरता लगता हूँ, अनेक है नहीं अनेक सत्य लगते हैं। तो जब जान जाएंगे तब ये समस्या हल हो जाएगी, लेकिन उसके पहले सत्य इसको, ये जो कि हम सच मान रहे हैं, इसलिए सच मान रहे हैं, तो दो सच हैं, एक कल्याणकारी एक अकल्याणकारी। जैसे मान लो अभी आपको संसार या दुख सुख लगते हैं, तो फिर जिसमें आपका मन पवित्र हो, जिसमें आपको भक्ति हो, जिसमें आपका हृदय शुद्ध हो, वहां जाना। अब सब जगह परमात्मा है तो गुरुद्वारे क्यों जाना? तो ये तो अभी सुन रहे हो, सब जगह परमात्मा निरंकार नहीं मिलता, इसलिए तीर्थ यात्रा करो, हरमंदिर साहब में मत्था टेको, वहां वाणी का आदर करो, और जब बोध हो जाएगा वही वही आप देखेंगे। तो ये फिर ये नहीं कि गुरुद्वारे नहीं जाना, लेकिन यदि नहीं भी गए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अभी नहीं जाओ तो गुरुद्वारा तो छोड़ दिया, अभी पहुंचे हो नहीं तो पहुंचने का रास्ता ही एक तरह से छोड़ दिया। पहुंचे बिना साइकिल भी नहीं, मोटर भी नहीं, जहाज भी नहीं, ऐसे पहुंचे की बात सुनकर तो जो हो सकता था वो भी नहीं होगा। इसलिए पहले साधनों में सच्चा मानना चाहिए, वाणी सच्ची, गुरु की वाणी, उपदेश, साधन, भजन सब सच्चे। पहुंचने के बाद कुछ भी एक के सिवा कोई सच नहीं है, एक ही सच।